दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किसान दिवस पर प्रयागराज में दिया गया उनका एक भाषण। भलाई के पक्ष में अपना संगठन दिखाने के लिए दूर दूर से यहां आने में आपने जो दिलचस्पी दिखाई है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। आज के दिन प्रांत के विभिन्न केंद्रों में सैकड़ों सभाएं ब्रिटिश सरकार को अपना संगठन दिखाने के लिए हो रही हैं। सभाओं के पीछे यह भी आग्रह है कि हक आराजी बिल को गवर्नर और गवर्नर जनरल की रजामंदी से बिना अनावश्यक विलंब के पास करके कानून बना दिया जाए। आपको और कांग्रेस को मिलकर अभी बहुत कुछ करना है और आपको उन घटनाओं पर भी निगाह रखनी है जो घटित हो सकती है और जो आपके संयुक्त कार्य को पूरा करने के लिए मार्ग निश्चित कर सकती है। कांग्रेस जो कहे उस पर आप आंख बंद करके चलें, जैसे कि वह आपके लिए आज्ञा हो, बल्कि कांग्रेस की सब आज्ञाओं की ऊंच नीच को आप खुद समझें और उन पर अकलमंदी और मेल की भावना से चलें। कांग्रेस पंचायत कार्य समिति ने देश और देशवासियों के, जिनमें आप भी शामिल हैं, पक्ष में रोज बरोज उठने वाले सब मसलों पर विचार किया है। इस कांग्रेस पंचायत ने जो निर्णय किया है उस पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों से लेकर ग्राम मंडल कांग्रेस कमेटियों तक, जिसके बिना इतनी बड़ी और शक्तिशाली कांग्रेस संस्था अच्छी तरह से योग्यता के साथ काम नहीं कर सकेगी। सभी मातहत कमेटियों को विचार करना चाहिए और अनुशासन नियमानुकूलता के साथ उस पर चलना चाहिए। आपको वैसा ही अनुशासन रखना चाहिए और एकता, शक्ति और सफलता का निश्चय कर लेना चाहिए। नेहरू जी आगे कहते हैं, हक आराजी बिल पास हो गया है और मुझे उसमें शुबा नहीं है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की रजाबंदी भी थोड़े वक्त में आ जाएगी, लेकिन गवर्नरों के दस्तखतों से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपने अपना संगठन न किया और अपने को शक्तिशाली न बनाया तो जमींदार नए नियमों को फाड़ फूड़ कर फेंक देंगे। आपको हक आराजी बिल से अपने अधिकारों का सिर्फ कुछ हिस्सा ही मिलेगा। सोलहों आना अपने अधिकार पाने के लिए तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। पहला और सबसे खास काम आपका संगठन है। आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। भूचालों की तरह दुनिया में घटनाएं घटित हो रही हैं। लड़ाई और क्रांतियां भूचालों जैसी ही तो हैं। आप यह जानते होंगे कि 25 बरस पहले जैसी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी, वैसी ही लड़ाई इंग्लैंड और जर्मनी के बीच छिड़ी है। पिछले महायुद्ध में हमारे बहुत से देशवासी मरे, लेकिन देश के लिए हमें आजादी नहीं मिली। हमसे कहा गया है कि इस लड़ाई में भी हम ब्रिटेन की मदद करें। कांग्रेस ने विचार किया कि इस बारे में वह क्या करे, आया लड़ाई में हिस्सा ले या नहीं। सवाल था कि अगर हमें आजादी नहीं मिलती है तो हमें उसमें हिस्सा क्यों लेना चाहिए। अगर लड़ाई साम्राज्यवाद की ही जड़ मजबूत करने के लिए है तो हमें उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमारी बिना सलाह लिए ब्रिटिश सरकार ने हमें इस युद्ध में शान लिया है। यह एक भारी गलती है। कांग्रेस कार्य समिति ने इस सारे मसले पर गंभीरता के साथ विचार किया, क्योंकि उससे हमारे देश की करोड़ों जानों का संबंध है। शायद आप पूरी तरह से जानते हैं कि किन किन बातों पर कार्य समिति ने इस संबंध में विचार किया है।
इंग्लैंड ने कहा कि वह दूसरे देशों की जिनमें से कुछ को जर्मनी ने पहले ही जीत लिया है आजादी के लिए लड़ रहा है। जर्मनी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें उन देशों की आजादी की चिंता है जो कि आजादी से वंचित कर दिए गए हैं। चूंकि हम भी ब्रिटेन द्वारा शासित हैं, इसलिए हमारे लिए भी आजादी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरे देशों के लिए। इसलिए ब्रिटेन को हमसे लड़ने के लिए तभी कहना चाहिए जबकि वह गुलामी से हमारे देश को आजाद कर दे। उसकी गुलामी में रहकर अगर हम उसका साथ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी ही आजादी के खिलाफ लड़ते हैं। इसी सबब से कांग्रेस ने ब्रिटेन से कहा है कि यह घोषणा कर दे कि इस लड़ाई में उसके उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। हम चाहते हैं कि वह न सिर्फ हमारी आजादी की घोषणा करे बल्कि उस पर अमल करके उसे पूरा भी करे। ब्रिटिश सरकार ऐसा इस तरह कर सकती है कि वह हिंदुस्तानियों की एक सच्ची प्रतिनिधि संस्था बनाए जो हिंदुस्तान के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। अपनी इस हाल की मांग का कांग्रेस को अभी कोई जवाब नहीं मिला है। उम्मीद की जा सकती है कि 2-3 सप्ताह में जवाब आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि किस तरह का जवाब आएगा। जब तक जवाब नहीं आता तब तक मौजूदा लड़ाई के संबंध में वह क्या करे। इस बात के निर्णय को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त कांग्रेस के पास और कोई उपाय ही नहीं है, ना इधर ना उधर। वह कुछ भी तय नहीं कर सकती। कांग्रेस की मदद का उस समय तक निश्चित नहीं जब तक कि पता नहीं चल जाता कि हिंदुस्तान की स्थिति इस वक्त क्या है। युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग जो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से की है उसे दुनिया के बहुत से देशों ने पसंद किया है। बहरहाल हमें आगे होने वाले सभी परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए। किसान भी उनके लिए तैयार रहें, इसके लिए संगठन आवश्यक है। अपने आपसी मतभेदों को बनाए रखकर तो हम शत्रु की मदद ही करेंगे। जहां तक राष्ट्रीयता का संबंध है, हिंदू और मुसलमान के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मसलन हक आराजी बिल हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस तो हमेशा उन मसलों के लिए लड़ती रही है जो बिना जात जमात के ख्याल के समूचे राष्ट्र के लिए फायदेमंद हो।